मौसमी सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। ताहम रवां साल शुमाली इलाकों में जारी फौजी ऑपरेशन के बायस खुश्क मेवाजात की कीमतों में 22 से 66% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दुकानदारों के मुताबिक रवां साल सबसे ज्यादा इजाफा चिलगोजे की कीमत में हुआ है, जिसके निर्ख 1200 रुपए फी किलो से बढ़कर 1800 रुपए फी किलो तक पहुँच गए हैं। सर ये चिलगोजा पिछले साल जो था वो 1200 रुपए था, इस दफा ये इसकी कीमत 1800 हो गई है सर। बस दुकानदार 2000-2200 में भी बेच रहे हैं, ये होल सेल जो है बहुत महंगा हो गया। इसी तरह है, बस इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी हैं, खुबानी है, पिस्ता है, इसी तरह से महंगी हैं सभी चीज़ें। बस दुकानदारों का कहना है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे की दूसरी बड़ी वजह डीजल की होशरुबा कीमत है। दुकानदारों का कहना है कि एक ट्रक का किराया 70,000 रुपए से बढ़कर 1,40,000 रुपए हो गया है, जिसके बायस मूंगफली 240 रुपए, खुबानी 600 रुपए और पिस्ता 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मूंगफली इसलिए महंगी हुई है कि मूंगफली के डीजल महंगा होने की वजह से जो ट्रक हमें 70,000 रुपये किराए पे पहुंचता था वो 1,40,000 रुपये किराए पे पहुंच रहा है, तो उसकी कास्ट जो है वो इसके ऊपर पड़ गई हुई है। मूंगफली वगैरह के ऊपर ही पड़नी है, वो तो हमने अपनी जेब से तो नहीं देना, इसलिए 40 रुपये किलो पिछले साल की नस्बत ये महंगी है इस साल। दहशतगर्दी से न सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारी बल्कि मुकामी तजारत भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के साथ इमरान अदनान, सिटी 42, बीडन रोड।